शरद जी की जो पत्नी अपना लड़ रहे, तो समझा जाए ना लोग कि आज पहली उम्मीदवार यहाँ घोषणा की जा रही है। नहीं बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी सदस्य है, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जो जन कल्याण की नीतियाँ लेके आती रही, और ये जो चुनाव है ये एक पहला पायदान है जिसके तहत हम अपने 2024 की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। उमा जी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए हमेशा कार्यरत रही हैं, और मैं कैथल के समस्त जितने भी यहाँ पे वोटर्स हैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि इन्हें मजबूत बनाएं ताकि इंडियन नेशनल लोकदल आपको एक मजबूत सरकार दे सके, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा जन कल्याण की नीतियाँ, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे कन्यादान की राशि हो, चाहे किसानों के लिए मुआवजा हो, चाहे सड़कें बनवाने का काम हो, कितने ही अनेकों ऐसे कार्य हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल ने जन कल्याण के लिए किए हैं, जिसमें कहीं पे भी ये भी नहीं लिखा कि ये कौन सी किसी पार्टी विशेष के लोगों को फ़ायदा मिले या किसी जाति वर्ग विशेष को फ़ायदा मिले। सभी के लिए समान रूप से जन कल्याण की नीतियाँ लागू की गई हैं, इसीलिए मेरा पूरे एक एक वोटर से ये अनुरोध है कि आप उमा जी को वोट दें ताकि इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत बन सके। सिंबल प्रयोग का चुनाव चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे होगा। राणा साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये हमारी एक कमेटी है जो सीनियर लीडर है। एमसी के लेवल के एमसी भी खड़े किए जाएंगे अलग अलग वार्ड में, 31 वार्ड है शहर के अंदर, तो उनके एमसी भी खड़े किए जाएंगे, पार्टी एमसी के पार्षद भी खड़े किए जाएंगे पार्टी लेवल पर, या फिर चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। देखिए इस चुनाव में थोड़ा फर्क है, पहले भी ये कोई पहला चुनाव नहीं है नगर पालिका नगर परिषद का, बहुत पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले जो चुनाव होते थे वो पहले मेंबर बनते थे पार्षद या एमसी, फिर उनसे चेयरमैन बनता था, लेकिन इस बार ये बदलाव आया है पूरे प्रदेश में, भी चुनाव डायरेक्ट है, सब सारे शहर की वोट पड़ेगी चेयरमैन पे, इसलिए ये ज़रूरी है भाई हम अपना जो कैंडिडेट है वो सिंबल पे लड़ेगा, और 31 जो पार्षद हैं जो एमसी गई उनको वो भी सिंबल पे लड़ेंगे, ताकि हम सारे सिंबल पे एक ही निशान पे एक ही लड़ेंगे तो वोट मांगनी आसान होगी और प्रचार भी आसान होगा, इसलिए ज़रूरी है सिंबल पे लड़ना, हमारी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी। आज चेयरमैन पद के लिए मैडम का नाम घोषित कर दिया, 31 वार्ड के जो एमसी कब तक नाम घोषित कर देंगे? ये देखिए अभी तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा और हम कोशिश करके सारे में खड़े करेंगे सारा चुनाव। मैम इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, क्राइम है, इन पे क्या रुख है? देखिए मैडम देखिए महंगाई तो मैं, क्योंकि मैं भी एक घरेलू महिला हूँ तो मैं इस चीज़ में अच्छे से बता सकती हूँ। पहले हमें ठगा गया कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, उसके बाद नोटबंदी के मार से हमारे जो पॉकेट के जितने पैसे थे वो निकलवा लिए गए, उसके बाद कहा कि सिलेंडर फ्री में बांटे, और बांटे भी, लेकिन उनको भरवाने के लिए जो रकम रखी गई है वो आज 1025 रुपये है। तो एक आम घर के महिला इस चीज़ में सक्षम नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ, सुबह अगर चूल्हे का स्टार्ट होते चाय बनाने से, चाय पत्ती के दाम भी इतने महंगे हैं कि हम सोचते हैं कि एक चम्मच डालें दूसरी नहीं डालते कि दूसरी चाय बन जाएगी, महंगाई का तो ये आलम है। वहीं हमारे बच्चे बेरोजगार हैं जो सबसे बड़ी समस्या है, मानसिक रूप से परेशान है, आपने सुना होगा अभी किसी बच्चे ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। तो ऐसे में पूरा जो हरियाणा प्रदेश है उसमें हर वर्ग परेशान है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो महिलाएँ हैं, चाहे वो नौजवान हैं, और यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गों को भी सताने में ये कमी नहीं छोड़ रही है, उनकी पेंशन भी काटने के कगार पे है कि हम इनकी पेंशन काट देंगे, 2,75,000 बुज़ुर्गों की पेंशन कट चुकी है। इसलिए इन तमाम मुद्दों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल दो दो हाथ होने के लिए जनता के बीच में जा रहा है। सुनाना तो कहला पूरे हरियाणा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, संयोगवश जो कार्यक्रम रखा गया है कि एक महिला जो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, जीत का कितना दावा रखेंगे? देखिए महिलाएं या तो घर से निकलती नहीं, महिलाएं एक बात में माहिर हैं कि वो अपना काम पूरा करती हैं, या तो निकलती नहीं, निकली हैं तो वो जीत के ही वापस रहेंगी। किन एजेंडों पर चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी? इंडियन नेशनल लोकदल के पास जन कल्याण की इतनी नीतियां हैं, जितनी भी आज आप जन कल्याण की नीतियां जो लोग जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टार्ट की है, यहाँ तक कि हम आगे भी जब सत्ता में
हमारी भागीदारी होगी आप सबके पूरे जनता के आशीर्वाद से। जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन भी इस चीज़ का दावा करते हैं कि हर घर में एक नौकरी, और जब तक उस नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी उसे 20,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम। और यहाँ तक कि मैं, क्योंकि आपने महिलाओं के लिए विशेष पूछा है, तो जो 60 साल से नीचे की महिलाएं होंगी हर महिला को 1500 रुपए एक सहायता राशि देने का। आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में सरकार बनी है उसके बाद जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक स्टेट का अपना अपना परिपेक्ष होता है। पंजाब में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया, अकाली दल बादल का उनसे अलायंस था इसलिए उनको भी नकार दिया। वहीं कांग्रेस ने जो इलेक्शन से पहले जो ड्रामा किया, कभी किसी को बिठा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, कभी किसी को, लोग इससे परेशान हो गए। लोगों ने विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को चुन लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी को पनपने में टाइम है। हरियाणा प्रदेश में जो अगर सबसे मजबूत, और हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ओम प्रकाश जी चौटाला ने ऐसा शासन दिया है कि सरकार को आपके द्वार पे लाके खड़ा किया, इसलिए हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नहीं इंडियन नेशनल लोकदल का परचम ले रहा है। इससे चैलेंज मानते हैं पार्टी, किससे चैलेंज मानते हैं, कौन सी पार्टी से अपनी मजबूती मानती है? देखिए, हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात कहते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमें किसी से कोई चैलेंज नहीं देना, हमें अपने नीतियां लोगों तक पहुंचानी है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जो हरियाणा को लेकर सपना था उसको साकार करना। मैम, चौटाला साहब को एक बार फिर से सजा सुनाई गई है, और क्या उसका पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप जो कोर्ट हैं उसके जो भी उनके आदेश हैं हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं मानते हम। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो आज आप क्षेत्रीय दलों में देखिए कि आजम सिंह है, उनको एक बकरी की चोरी के केस में उलझाया गया। वहीं लालू यादव जी के परिवार को देख लीजिए, मुलायम सिंह के परिवार को देख लीजिए। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि क्षेत्रीय दलों को ये जो पार्टी है ये बीजेपी खत्म करना चाहती है। लेकिन क्षेत्रीय दल खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। कलायत की राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, उनके काफिले पर रास्ते में कहीं ना कहीं अश्लील व्यवहार किया जाता है। पहला प्रश्न तो एक ही है, एक कहीं ना कहीं इनेलो की और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की संभावना का जो बाजार है वो इस समय पूरी तरह से गर्म है। तीसरा सवाल है, पंजाब में कैबिनेट मंत्री 1% कमीशन मांगा था, उसको बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार कर दिया गया। हरियाणा में भी कई मंत्रियों पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, आप क्या कहें? तीन सवाल हो जाए। देखो, जहाँ तक आपने कहा कमलेश जी के काफिले के ऊपर, तो ऐसा देखो कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, मैंने मेरे नॉलेज में नहीं है। वहीं आपने दूसरी बात ये कही कि आम आदमी पार्टी और इनेलो का गठबंधन, तो देखिए ये शीर्ष का जो नेतृत्व है ये चीज़ें डिसाइड करता है, और संभावनाएं जैसे कि पिताजी कहते हैं संभावनाएं राजनीति में होती रहती हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आम जनता की आवाज़ को कौन सुनेगा। हम उसी का साथ जा सकते हैं जो आम आदमी की आवाज़ को सुन के उसके ऊपर कार्य। अंतिम सवाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर सरकार जो है खुद नीति नहीं बना रही है, प्रशासन के माध्यम से कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों का अटकाने का काम करती है, उस पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन को इन्होंने पूरी तरीके से कब्जे में कर रखा है, और आप ये देखेंगे कि आज जो पत्रकारिता है वो एक हमारे जो सोशल लोकल जो पत्रकार है उन्हीं के इर्द गिर्द हो गई है, क्योंकि वही सच्चाई दिखाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, क्या अभी तक भी चल ही रहा है, हर चैनल के ऊपर बाबरी मस्जिद का एक किस दिखा रहे हैं कि वहाँ पे खोद के देखो क्या है, वहीं कुतुब मीनार का कह रहे हैं कि इसको हम हिंदू स्मारक बनाएंगे, वहीं ताजमहल के लिए कह रहे हैं। ये क्या मुद्दे हैं? ये क्या नेशनल चैनल्स पे ये चलने चाहिए? ये सिर्फ जात पात को बढ़ावा देने के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए है। मुद्दा आज के दिन क्या है कि बेरोजगार हमारा युवा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो GDP हमारी डाउन जा चुकी है पूरे हिंदुस्तान की, आज मुद्दा वो है। आज सत्ता में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इन मुद्दों को छोड़ के मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे लोगों को आपस में लड़ाना बंद करें। जहाँ ये गौ माता के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ऐसे ही दे देते हैं, वहीं मैं अभी जाके आई हूँ खेदड़ में, गौशाला के ऊपर भी इन्होंने क्या है कि उनके साथ भी वादा खिलाफी वो कर चुके हैं। इसलिए इनकी मंशा को समझना बहुत ज़रूरी है। आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा को पूरे, मैं तो कहूँगी हरियाणा प्रदेश इसको समझे, और मैं कहूँगी नौजवान रो को बचाओ, भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। लोगों से क्या अपील है मैडम?
लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जिस पार्टी ने जन कल्याण की नीतियां सबसे ज़्यादा शुरू की हैं, जहां भी जड़ जो जन कल्याण की नीतियों के इंडियन नेशनल लोकदल को आप मजबूत बनाए, ताकि हम आपको एक मजबूत और एक अच्छा राज देने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद, थैंक यू।